खराब हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं गाय निकाल रहा हूँ, अभी सूरज वगैरह नहीं है, अभी फजर का वक्त है। सीन ये है कि फोटो शूट करना है, बिफोर और आफ्टर का करना है। बिफोर गाड़ी अभी लो है, आफ्टर में गाड़ी होटल लाइफ स्टाइल हो जाएगी। अभी का सीन ये है कि अभी नाश्ता करने के लिए मैं निकल रहा हूँ, नाश्ता करके फोटो शूट पहले करता हूँ, क्योंकि धूप आ गई तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। पहले फोटो शूट करके तो ऐसी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर घर आते हैं। बाकी फिर 9 बजे जाना है मैकेनिक के पास। आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, मैंने बातचीत कर ली थी, पीछे जो स्प्रिंग है वो बड़ा वाला लगाना है, जो आता है स्टॉक आता है। सारी चीज़ें साथ ले आना, सारी चीज़ें ले आऊँगा। सुबह गाड़ी 9 बजे यहाँ पर खड़ी करते हैं, 9 बजे आ जाऊँ। सुबह अभी निकलते हैं, गाड़ी गर्म कर रहा समय। आज इसका आखिरी दिन है गाड़ी का मेरे साथ, क्योंकि इसके बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा ये वाली। मगर क्यों? क्योंकि स्टॉक हो जाएगी, और जब ये स्टॉक हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आता। लड़कों को शौक ही यही होता है डाउन टू अर्थ, हर गाड़ी को नीचे चलाना। स्टॉक में बहुत बुरी लगती है। तो अभी सीन ये है कि आज इसका आखिरी दिन, इस तरह के इसके जो भी रिम टायर लगे हुए हैं ये उतर जाएंगे, स्टेपनियों पे आ जाएगी। पीछे लाइटें वगैरह, गेयर नॉब है, इंडिकेटर जो मेरे डायरेक्ट वगैरह करवाए हुए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। सब कुछ जिस तरह कंपनी से आती है ना गाड़ी वैसे हो जाएगी। अभी सीन ये है कि अभी बस थोड़ा सा ये फोटो वगैरह लेते हैं बिफोर और आफ्टर की। बिफोर अभी ले लेते हैं, आफ्टर कल लेंगे, क्योंकि फिर धूप निकल आएगी, धूप में फिर मज़ा नहीं आता, फिर वो पसीना वगैरह। वीडियोस वगैरह बना के निकलते हैं नाश्ते के लिए, नाश्ता करके फिर बस घर घर होते हैं। फिर 9 बजे जाना है उसके पास मैकेनिक के पास। अभी सब कुछ रखना है, क्योंकि अभी रखूँगा ना तो फिर सही रहेगा। अगर मैं उसी वक्त रखूँगा ना 9 बजे तो मैं कुछ भूल गया तो फिर मैकेनिक कहेगा तुझे मैंने पहले कहा था सब कुछ लेकर आ, तू क्यों नहीं लाया ये वो। बात तो सही है, मैं मैकेनिक को नाराज़ भी नहीं कर रहा हूँ। मैकेनिक मेरी स्पेशल, मेरी वजह से जल्दी आ रहे हो उसको। वैसे वो दुकान को खोलता है अपनी 10 या 10 बजे तक खोलता है, वो मेरी वजह से 9 बजे आ रहे हैं, क्योंकि 9 बजे पे गाड़ी पूरी खोलनी है, गाड़ी के शॉक उतरने हैं, गाड़ी को कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं, आपको पता है। जैसे दिल टूट गया, एक अजीब सा नहीं होता बम्पर उसका, असल में वो दोस्त को दे दिया, पहले ही बम्पर चेंज हो चुका है। अच्छा, अभी गाड़ी का पिछला बम्पर लगाने लगा हूँ, जो डाउन मॉडल का बम्पर था वो उतारने लगा हूँ। EFI वाला बम्पर है, ये लगाने लगा हूँ। तो अब इस बम्पर को गाड़ी में रखते हैं। अभी डेंटर के पास जा रहे हैं बम्पर चेंज करवाने के लिए। मैंने बम्पर ये पीछे रख लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी अभी डाउन मॉडल का बम्पर उतरेगा, वो घर ले आऊँगा। बाकी फॉग लाइट मैंने दोस्त को भेज दी है, वो दोस्त ले रहा है इब्राहिम व्लॉग्स, आपने देखा होगा उसके व्लॉग, तो वो मेरे से ख़रीद रहे हैं। उसकी असल में लाइट उड़ गई है, वो मुझे कह रहा है यार मुझे भेज दे, अभी उसको लाइटें वगैरह भेजते हैं। तो इसी बहाने में असल में मेरा बम्पर भी उतरेगा, फॉग लाइट भी उसकी उड़ गई है, क्योंकि वो दूसरा लाइट लगेगी भी थी। वो सीन ये हुआ है कि पीछे से उसका होल्डर भी जल गया लाइट की वजह से, लाइट असल में गर्म हो गई थी। और भी 2-3 काम हुए थे, मसला हो गया था उसका। वो फॉग लैम्प भी लेना चाह रहा है, फॉग लाइट भी लेना चाह रहा है। तो अभी बस चलते हैं डेंटर के पास, बम्पर उतरेगा तो उसी बहाने वो दूसरा वाला बम्पर भी लग जाएगा EFI। उसके आप बाकी व्लॉग में देखिएगा, बाकी मैं भी दिखाऊंगा अपनी गाड़ी का, बाकी जो उसी गाड़ी में जो लगेगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का। देखते हैं, अभी बजट भी नहीं है ना, गाड़ी लेने का बजट नहीं है। बड़े दिल से गाड़ी बनाई थी मैंने, और अब बम्पर पूरा बैठेगा सही, लाइटें भी कॉल नहीं होंगी ना इसके, लाइटें के नीचे भी वो नट लगे। ये लाइटें यही लगानी है, लाइटें तो यही लगानी, बम्पर चेंज करना, असल में गाड़ी का वो चीज़ें वगैरह बेचनी है, स्टॉक करनी है। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो। नहीं नहीं बेचनी नहीं है, स्टॉक करनी है, घर वालों को चाहिए।
घर में मसला बन गया था, नीचे है ना गाड़ी फंस जाती है स्पीड ब्रेकर पे, और घर वाले निकाल नहीं सकते हैं, तो मसला बन रहा था उसे लटके ही था। वो भी अपनी गाड़ी है? नहीं, वो दोस्त की, दोस्त चीज़ें ले रहे हैं मेरे से। अरे बड़ा ध्यान से निकालना है, ये बम्पर बेचना भी है। निकल गया आराम से, फिर भी तो लगेगी सारा। क्या रिम वो वापस जो स्टॉक स्टेप नहीं आती वही लगाने? ये बम्पर नहीं, उधर नहीं लगाना बम्पर, उधर जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सही है सही। बम्पर नहीं लगाना, बम्पर उसमें नहीं लगाना, ये उसमें लगाने। फॉग लाइटें हैं, वो सब लाइट खराब वो हो गई है, जल गई है उसकी। क्या हुआ? वायरिंग वगैरह कोई वो है इलेक्ट्रीशियन वगैरह? इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ ना फिर, वायरिंग निकाले, वायरिंग निकलेगी तभी जाके प्रॉपर बैठेगा बम्पर। बाकी ये EFI वाला बम्पर लग रहा है जैसे था वैसे ही दे रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ कि इसको भी पेंट करके दूँ मैं। तो नहीं खत्म हुआ वो, घर वाले मान नहीं रहे, घर वाले कहते नीचे बहुत है ये वो लगती है। आप कहाँ से आए हो? ओ अच्छा, वो जीतन वाले अभी क्या इंस्टा देख कर आए हो? पता कैसे चला मैं इधर आया हूँ? कोई और तो नहीं है साथ बड़ा कोई? नहीं, नहीं है। 2010 था ये। इंस्टा का फॉलोअर है, गाड़ी शौक हो रही है, इंस्टा देख रहा है। ब्लॉग में ले लूँ आपको? नहीं पता नहीं कैसी लग रही थी गाड़ी, पहले तो सही थी, कोई लोवर्स भी है आगे, कोई लोवर लगी पीछे, लो स्प्रिंग पे डाउन की हुई। सही खेल गया बैंच। अभी फॉलोअर आया था आपको पता है जैसे, वो चला गया। अभी बम्पर भी लग गया गाड़ी में EFI वाला। बस अभी बस घर चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ बम्पर कैसे लगा हुआ है। बस एक नट ले गया, रिम वाली साइड पे लगता है। बम्पर शम्पर लग गए, काबले शाबले भी लग गए, यहाँ से भी बैठ गया बम्पर। अभी बस नाम मनाने ही लगा था, अभी आपके सामने लोग आ रहे हैं मेरे से मिलने। अभी भी बच्चा आया था मेरे पास, यहाँ ही सामने रहता था जीतन में, कहता है फॉलोअर हो आपका, सलाम किया, पूछा गाड़ी क्यों स्टॉक करी, वजह वगैरह बताई। दूर दूर से लोग मेरे से मिलने आते थे, गाड़ी में बैठा होता था लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। रूस में मैं निकला हुआ था ब्रेम के साथ, मैं आपको व्लॉग का लिंक भी दे दूंगा ऊपर ही, आप भी रहा होगा इधर इधर। उस व्लॉग में रिकॉर्ड तो नहीं हुआ लेकिन ब्रेम बता रहा था कि दो बंदे आए थे बाइक पे, थम्स अप कर रहे थे गाड़ी को। तो इसी पता चलता है अपने गाड़ी अगर दिल से बनाई हुई है ना और किसी को पसंद आ जाए, जो जिसकी गाड़ी होती है उसको कितनी खुशी होती है। लेकिन घर वालों को समझ नहीं आ रही, घर वाले कहते हैं आप कौन हो। बम्पर पहले ही चेंज हो चुका था, EFI वाला बम्पर लग गया, इंडिकेटर डायरेक्ट था, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ये क्रिस्टल वाला आ जाएगा। ये असल में डाउन मॉडल का इंडिकेटर लगा हुआ है, ये भी खत्म करके क्रिस्टल वाला लगाने। बाकी ये रिम उतर जाएगा, ये लाइटें उतर जाएंगी, आज ये प्लेट उतर जाएगी, इसके जो पीछे जो आती है कल्टस की जो लाइट आती है उसके साथ जो कवर आता है वो लगेगा। टेंट उतर जाएंगे, ये उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, स्टे हम्बल ये उतर जाएगा, ये ऊपर जो टेंट हुआ है ये गेन ऑफ निकल जाएगा, लाइटें नीचे जो लगी हुई ये निकल जाएंगी, जो ये इस सीट के नीचे लगी हुई लाइटें ये निकल जाएंगी, इसके नीचे जो गाड़ी के नीचे लगी हुई वो भी निकल जाएंगी। घर आ गया अब, आज इसका आखिरी दिन है, असल कुर्बानी मेरी अभी शुरू हुई है। अभी कुर्बानी ऐसा लगा कि अभी बकरा जबह होने वाला, कसाई आ गया, कसाई मेरा 9 बजे आएगा, मैकेनिक वो मेरा कसाई है और ये बकरा है, गाड़ी को कुर्बान कर दिया। अभी मोमटी पे मैं आया हूँ, ये रिम लेके जाना है, शॉक्स वगैरह लेके जाने, इसका दबा पूरा लेके जाना है क्योंकि ये लगा के देना है। अभी ये चीजें हटानी है, टाइम हो गया 9 बज गए, मैकेनिक ने कहा था कि 9 बजे आ जाना, बस थोड़ा सा ऊपर हो गया, समय में सो गया था। मगर क्यों नींद इतनी गंदी आई है ना, कोई रात में नहीं सोया, टेंशन में था कि गाड़ी सुबह ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ट्रेन उतर जाएंगे, बस अभी बस चलते हैं। अभी ठंडा पानी पिए और ठंडे पानी से मुंह धोया, ये ना मैकेनिक के पास जाऊँ रास्ते में नींद आ जाए, ये ना ये गाड़ी इतनी खूबसूरत घर वालों को दे रहा हूँ, ये ना खूबसूरत हो के मेरी मोती ना हो जाए। अभी ये करते हैं एक दफा डबल चेक कर लेते हैं। अच्छा इसमें इंडिकेटर वगैरह है, बाकी कुछ बल्ब लेने होंगे या बल्ब लगे हुए होंगे पता नहीं, कुछ है सीन।
ये नट है। कभी कभार गाड़ी खोलता था, ये औजार लेके जा रहा हूँ तो आज हम मैकेनिक का हाथ बताएंगे। पर यादें थी इस गाड़ी के साथ ख़त्म हो गई हैं, इसके बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। ये औजार कहाँ रखे, ख़त्म हो गया सारी चैप्टर क्लोज। गाड़ी गर्म करते हैं, निकलते हैं मैकेनिक के पास, बाकी मैं उधर मिलता हूँ आपको। आगे सिंगल पॉइंट का बल्ब का होल्डर लेना भूल गया, क्योंकि इंडिकेटर तो ख़त्म कर दूंगा। पूरी रात ना डीलिंग करता रहा स्टेयरिंग वगैरह। ये ओरिजिनल मोमो का स्टेयरिंग पड़ा हुआ है मेरे पास, ये आपको मैं घर आके दिखाता हूँ। वॉश किट भी पड़ी हुई है, इंडिकेटर भी पड़े हैं, डाउन मॉडल का बम्पर पड़ा हुआ है, बम्पर सेल हो गया। रिलीज किट भी सेल हो गई है, दोस्त ने ले ली। फॉग लाइटें भी सेल हो गई है, बाकी बस निकलते हैं, लेट हो रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि अभी कसाई के पास जा रहा हूँ बकरा लेके। ये एक एक रिम, हर एक रिम के जगह पर रख देते हैं, जिस तरह एक रिम इधर रख देते हैं, एक रिम आगे रख देते हैं, ताकि फिर गाड़ी का काम आसानी से हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। अच्छा, ये नीचे वाला पंचर हो गया, इसमें एक पेच लगा हुआ था, पता नहीं यहाँ नजर आएगा भी। आपको मैंने एक व्लॉग में भी दिखाया था, अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, इसको निकाल के दिखाता हूँ, इसका नजर नहीं आएगा। वे वे। बस हवा निकल गई। भारी रिम है यार। अभी इस रिम में मैंने आपको बताया था पंचर वगैरह, एक ग्राहक आ गया था मैकेनिक के पास, छोटा सा काम है सिटी में, कह रहा था तू इतने में पंचर लगवा कर आ जा, मैं इतने में सिटी का काम कर लेता हूँ। ओए रिम बहुत भारी है ये, अभी ये उठा के मैं लेके चल रहा हूँ हाथ। ये असल कारगाई के हाथ होते हैं, ऐसे होते हैं हाथ, साफ सुथरे हाथ नहीं होते। बात तो सही है। सुबह तो ये सुबह की धूप है, दोपहर की धूप होती ना पार के रख देती। हाँ ये रहा ये रहा। अभी मैकेनिक दूसरी गाड़ी को काम कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ खुद ही तो लाइटें खोल लेता हूँ, अभी लाइटें खोल देता हूँ, बाद में इलेक्ट्रिशियन आके वो कनेक्शन वगैरह कर देगा। लाइटें वगैरह मैंने निकाल दी हैं, ये भी निकालना है। इंडिकेटर वगैरह निकाल दिया, इसके थोड़ा दबा के ना यहाँ से अंदर लॉक लगा हुआ था, वो निकाल के निकल गया था। ये भरा हुआ अंदर ये परे में, बाकी लाइटें वगैरह भी निकाल दी हैं, ये लाइटें लगेंगी और बस इसका भी पेच कस वापस लग देते हैं, ये ना मेरे साथ ही घर चला जाए। मैं वो काम ढूंढ रहा हूँ ना जो मैं काम कर सकता हूँ, जिससे अभी मैंने इंडिकेटर खोल लिए और लाइटें वगैरह मैंने खोल दी हैं। अभी टेंट उतार लेते हैं, टेंट वगैरह शीट उतर दी है, पेपर इधर ही रहेगी। ऐसा मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था ना, मसला ये है। तो अभी लगा रहे हैं, तो ये उतार लेते हैं स्मोक पेपर और ये येलो पेपर। Brother, what's that? इसके ऊपर भी स्मोक पेपर चढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये भी थोड़ी ब्लैक ब्लैक हुई हुई है, इसका भी स्मोक उतारना है। पूरी स्टॉक जिस तरह कंपनी से आती है ना वैसे करनी है, तो बस अभी इसका भी स्मोक पेपर उतारते हैं। इसका स्मोक पेपर उतार लिया, बाकी दूसरी लाइट का भी उतारते हैं, इस लाइट का भी क्रोम उतारते हैं। ये देखें आप डिफरेंस, ये और ये कितना डिफरेंस है। मुझे इतना शौक था ना गाड़ी खोलने का, बंद करने का, अब ये कुछ काम मैं खुद कर रहा हूँ। गियर नॉब अभी खोलना है, ये उतर गए, अभी ये लगेगा लगता है हमसे तो।